हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? एक बार मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी वाली बर्मा हरी मिर्च। ये देखिए, जिसके लिए हमने एक पाव हरी मिर्च ली है, मीडियम साइज़ की ही, और इसको अच्छे से धो लिया दोस्तों। और बर्मा मेथी वाली मिर्च बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो देखिए इस प्रकार से है। ये देखिए, 50 ग्राम मेथी दाना, जिसको रात भर हमने भिगो दिया था। और ये देखिए, 8-10 काली मिर्च, जिसको थोड़ा दर दरा पीस लिया है। एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए, राई, जीरा, हींग, दही और 8-10 कलियां लहसुन की, जिसको ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए दोस्तों, घी में भुना हुआ बेसन 50 ग्राम, सरसों का तेल काम में लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इन सबको बाउल में मिक्स करेंगे। मेथी है, लहसुन का पेस्ट है, भुना हुआ जीरा है, वो बेसन है, 8-10 कलियां काली मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, दही। ये देखिए, सबको चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेथी, बेसन, इन सब मसालों को मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिला दिया है। और मिर्चों के जो आगे के हार्ड भाग है उनको अलग कर देंगे और बीच से चीरा लगाएंगे। बीज भी हार्ड होते हैं और बीजों को भी इस प्रकार से निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इन सभी मिर्चों को डंठल हटाकर बीज निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान विधि है दोस्तों, इस प्रकार से बीज निकालने की। मेथी वाली बर्मा मिर्च है, जो आज बहुत ही अलग तरीके से बना रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, सभी के इस प्रकार से बीज निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी के डंठल हटाकर बीजों को निकाल दिया है। अब ये जो मेथी का और बेसन का घोला है, वो जो चीरा लगाया था मिर्च के अंदर, उसके अंदर अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए, भर देंगे अच्छे से सभी मिर्चों में। इस प्रकार से बेसन और मेथी है वो भर देंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी मिर्चों में जो मसाला था उसको मिला लिया है, भर लिया है। ये देखिए, गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में आवश्यकता अनुसार तेल डालेंगे दोस्तों। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। राई, जीरा, चुटकी भर हींग डालेंगे। अब जो मिर्च है वो डाल देंगे। देखिए, इसको फ्राई करेंगे दोस्तों, सभी को धीरे धीरे इस प्रकार से तेल में मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पलटते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट भरवा मिर्च बनेगी दोस्तों। ये देखिए, नई विधि है, बेसन और मेथी का जो जो पेस्ट मिर्ची में डाला गया है, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार से धीरे धीरे चम्मच की सहायता से इनको पलटते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से उठते फूटते इसको पकाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी भरवा मिर्च बनने जा रही है। इस प्रकार से बनाई हुई मिर्च को बच्चे बड़े चाव से खाएंगे दोस्तों। ये देखिए, कितने अच्छा कलर आया है। ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, गैस का फ्लेम है जो मीडियम रखेंगे,
क्योंकि नहीं तो ये जल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, जो इसकी परत है जो हटने लगी है, इसका मतलब है ये पक चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी पकी हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गैस को बंद कर देंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, मेथी वाली बरवा मिर्च बनाने की विधि आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि नई नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अच्छा, धन्यवाद।